मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। मैंने देखा तुझे बुला के, हर एक तरकीब लगा के, हर नुस्खे को आजमा के, पर दिल से कभी ना उतरे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजीव और आपका आर्या एंड भाविया हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी ये वीडियो देखा, वीडियो स्टेटस, तो ऐसे ही धमाकेदार वीडियो बनाने के लिए आपको अगर सीखना हो तो हमारे इस वीडियो को पूरा वॉच करें, तभी आप सीख पाएंगे कि ऐसे धमाकेदार वीडियो कैसे बनाया जाता है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि हमारे इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही एडिटिंग वीडियो हमेशा लाते रहता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए हमें काइन मास्टर की आवश्यकता होगी। तो हम काइन मास्टर को सिंपली ओपन कर लेते हैं, उसके प्लस वाले आइकन पर क्लिक करते हैं, 16:9 पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर चलेंगे, उसके बाद बैकग्राउंड ले लेंगे ब्लैक कलर का, और इसका हम ड्यूरेशन कुछ इस तरह से बढ़ा देंगे। उसके बाद लेयर पे चलेंगे, मीडिया पे चलेंगे, उसके बाद हमको ये पीएनजी फोटो ले लेना है। तो ये तो ब्लैक दिख रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट पे क्लिक करेंगे और ये जो लाइट वाला है इसको हम बढ़ा देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं, तो इस पीएनजी फोटो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम साइड में कहीं लगा देते हैं कुछ इस प्रकार से। उसके बाद इसका वाइब्रेशन कुछ बढ़ा देते हैं इस तरह से। उसके बाद फिर लेयर पे चलेंगे, मीडिया पे चलेंगे, और फिर से हम एक दूसरा ये हार्ट वाला इसको ले लेंगे और इसको भी हम कुछ इस तरह से बढ़ा देंगे। उसके बाद फिर से हम चलेंगे एडजस्टमेंट पे और इसको हम लाइट को बढ़ा देंगे और ये बीच वाला जो है इसको हम नीचे कर देंगे। उसके बाद ओके कर देंगे, इसका भी ड्यूरेशन कुछ इस तरह से हम बढ़ा देंगे। उसके बाद दोस्तों, ये जो पहला वाला है, तो बता दें आपको, ये जो हार्ट है और ये जो दोनों फोटो है, तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। मैंने जितने भी इसमें प्रयोग किया है फ़ोटो वीडियो, तो वो सारी चीज़ें आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड करके एडिट कर सकते हैं। तो चलिए आगे का प्रोसेस हम बताते हैं। तो इसको क्या करना है, इसको इन एनिमेशन में जाना है। उसके बाद इन एनिमेशन में जाने के बाद इसको हम वाइप लेफ्ट करते हैं और इसका जो है हम यहाँ पर 2 रख देते हैं, उसके 2 कर देते हैं। फिर ये जो हार्ट वाला है इस पर भी क्लिक करते हैं और इन एनिमेशन पे चलते हैं और इसका भी वाइप लेफ्ट, इसका वाइप राइट कर देते हैं और इसको भी हम 2 रख देते हैं कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं प्ले करके कुछ इस प्रकार से आपका प्ले होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेम एडिट करना है, तो यहाँ जैसे ख़त्म होता है तो इस जगह से लेयर में चलेंगे, टेक्स्ट में चलेंगे, उसके बाद यहाँ अपना नाम हम टाइप कर लेंगे। तो चलिए हम अपने चैनल का नाम यहाँ पर दे देते हैं, आप अपने हिसाब से जो भी नाम देना चाहें वो यहाँ पर ऐड कर दें। उसके बाद इसको हम अपने हिसाब से जो भी अच्छा लगे इस तरह से इसको दे दें, थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद इसको भी एन एनिमेशन में जाएंगे और इसको पॉप कर देंगे, इसका रेशियो भी हम कुछ इस तरह से बढ़ा देंगे, उसके बाद ओके कर देंगे, इसका भी ड्यूरेशन कुछ इस तरह से हम बढ़ा देंगे। उसके बाद अब आपको क्या करना है, लेयर पे चलना है, मीडिया पे चलना है और आपको ये स्मोक वाला जो है इसको ले लेना है और इसको फुल साइज कर देना है। नीचे में आपको दिख रहा होगा धुआं धुआं जैसा है, तो स्मोक वाले का हम ऑडियो म्यूट कर देते हैं और उसके बाद फिर स्मोक वाले पे क्लिक करके
और नीचे चलाएंगे हम ब्लेंडिंग पे और इसको हम स्क्रीन कर देंगे। उसके बाद फिर हम लेयर पे चलेंगे, मीडिया पे चलेंगे और आपको यहाँ पर हम दिखा देते हैं, यहाँ पर ये कलर वाला जो है, कलर वाला वीडियो टेम्पलेट, इसको हम ले लेते हैं। इसका भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम फुल साइज कर देते हैं, ओके कर देते हैं। उसके बाद इस पर क्लिक करके उसके बाद हम टेम्पलेट वाले पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ब्लेंडिंग पे जाएंगे और इसको हम देख लेते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम प्ले करके देख लेते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो रहा है। तो ये वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। तो दोस्तों आप भी ऐसा वीडियो बना सकते हैं। तो अगर इसका ये जो कलर वाला है इसका अगर डायरेक्शन कम लग रहा है आपको, तो इसको यहाँ पर थ्री डॉट पे जाके डुप्लीकेट कर सकते हैं और इसको आप यहाँ पर खींच के इसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप सिंपली ऑडियो पे जाएंगे। ऑडियो पे जाने के बाद आपको जहाँ आप डाउनलोड करके रखे हैं उसको यहाँ पर सॉन्ग को ऐड कर देंगे कुछ इस तरह से। तो आप ले करके देख सकते हैं आपका वीडियो ज़बरदस्त मस्त एडिटिंग हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप भी आसानी से सिंपल तरीके से काइन मास्टर की मदद से आप भी ऐसा वीडियो एडिट कर सकते हैं और किसी भी सोशल मीडिया पर अपलोड करके और अच्छा खासा व्यूज ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि वो भी सीख लें ऐसा वीडियो बनाना। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एडिटिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।